Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely amazing. So guys, finally हमारा ये वाला साल खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है I am extremely happy and excited for New Year, guys. एंड साथ के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहूंगी क्योंकि 2023 से पहले मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं थी गाई 2023 में मुझे जो भी सक्सेस मिला है वो आप लोगों के सपोर्ट से ही मिला है आप लोग अगर मेरा साथ ना देते प्लस मेरी मेहनत तो है ही लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती सो so, दिल से शुक्रिया यार आप लोग मेरा कभी भी साथ मत छोड़ना मैं कितनी भी एज की हो जाऊंग ना तब भी आप लोग मेरे वीडियोज देखना ठीक है न्यू ईयर की स्टार्टिंग होने वाली है तो ऑफकोर्स आप लोगों को कोई ना कोई पार्टी अटेंड करनी होगी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कुछ पार्टी वियर ड्रेसेस बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं और इस बार का कलेक्शन बहुत ज्यादा अफोर्डेबल शेयर करने वाली हूँ मेरे पास न्यूमी एशिया जो हमारा बहुत अच्छा ब्रांड है आप लोगों को भी बहुत पसंद आता है है वो मीशो है, गेट स्कैकी है टोक्यो टॉकीज है मतलब बहुत सारे ब्रांड्स के मैं यहाँ पे आपके साथ ड्रेसेस शेयर करने वाली हूँ एंड बहुत सुंदर होने वाले हैं सो आई थिंक बहुत लंबा इंट्रो कर दिया मैंने सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली द वीडियो लेकिन रुको 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 वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल चीज कर, शेयर करने वाली हूं जो कि मैंने सोचा कि अब 2024 आ रहा है न्यू ईयर तो है ही लेकिन न्यू ईयर के साथ ना 2024 में एक और चीज आ रही है वो है मेरा बर्थडे फोर uh, जैन को मेरा बर्थडे है मैंने सोचा खुद से खुद के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ही स्पेशल है हो सकता है मेरा गिफ्ट आपको देखने में या फिर सुनने में बहुत ज्यादा छोटा लगे बट बत... ट्रस्ट मी इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अर डे टू डे लाइफ एंड मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत ही तो इसलिए मैंने मंगाया है सो so गाइज जैसे कि आपको पता है कि आजकल भीड़ से अलग दिखना हर कोई चाहता है क्योंकि लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो गई ना हर कोई चाहता है कि यार इसके जैसा सेम मुझे नहीं दिखना चाहे वो आउटफिट हो गया या फिर अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करना हो गया तो कोई भी एक से दूसरे से सिमिलर नहीं दिखना चाहता है. हर कोई चाहता है अपनी एक डिफरेंट पहचान बने सो so ऐसे में मैंने एक अपने लिए ऐसी चीज़ खरीदी जो कि मुझे क्राउड से डिफरेंट बनाएगी वन टू Three, so this is the thing which I have gifted myself. This is Nude Montpellier Blue Perfume. ओ माई गॉड गाइज आई लव दिस परफ्यूम मुझे बहुत टाइम से ये खरीदनी थी सो इट्स नॉट लाइक अदर वंस परफ्यूम जो कि कॉमन होती हैं जिनका सबका एक जैसा ही सेंट रहता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आई एम टेलिंग यू वाई जिस टाइप से आपने देखा है कभी जो लिपस्टिक का एक शेड होता है ना वो हर एक स्किन टोन पे ना अलग अलग दिखता है लगने के बाद चाहे वो एक ही कलर हो उसी टाइप से ये जो फ्रेगरेंस है ना ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगरेंस क्रिएट करता है आई एम टेलिंग यू द रीजन रीजन ये है इसके पीछे कि हर एक की जो बॉडी ऑर्डर होती है या फिर जो खुद की स्मेल होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होती है जिसके साथ ये परफ्यूम की फ्रेग्रेंस कंबाइंड होकर के हो ना एक डिफरेंट डिफरेंट ही फ्रेगनेंस क्रिएट कर तो चलो भाई अब इसको ओपन करके भी आपको दिखा ही देती हूँ कि कैसी लगती है सच में इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा लग्जरी है देखने में बहुत अच्छी लग रही थी ये सो दिस इज द परफ्यूम लुक एट पैकेजिंग सो so, मुझे ये परफ्यूम ना इसलिए सबसे ज्यादा अच्छी लगी इट हैज अ वेरी लाइक माइल्ड फ्रेगनेंस सो इट डजेंट इडिटेट मी एंड आई कैन वेयर इट होल डे दिस सेंट है सटल बैलेंस ऑफ फ्लोरल एंड फ्रूटी नोट एंड ये बिल्कुल भी रेटेट नहीं करता मुझे बहुत अच्छा लगता so so है हाँ देखने में या फिर इसकी फ्रेग्रेंस भले ही क्लासी हो लेकिन इसके प्राइसेस में एकदम बजट फ्रेंडली ये परफ्यूम ना उन लोगों एकदम बेस्ट रहने वाली है जिनको नई नई चीजें नई नई फ्रेग्रेंस वगैरह ट्राई करने का शौक रहता है बट अंडर बजट तो आप इसको आराम से करी

सो दिस इज़ द ड्रेस गाइस वेलवेट फैब्रिक के अंदर ही आपको मिल जाती है एंड ये बिल्कुल न्यू ईयर के लिए एकदम परफेक्ट लगी अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन लेते हो ना लाइक थाई लेंथ की आपको मिलती है तो ये आपके लिए बहुत सही रहने वाली है सो so ये इस टाइप से कुछ इसमें कटआउट डिटेलिंग है लेयरिंग वाली यू कैन सी आप जब ट्राई ऑन देखेंगे ना तो आपको फुल लुक समझ में आएगा बट फैब्रिक की बात करें तो इसका फैब्रिक मिलता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वेलवेट के अंदर ये है तो आप इसको खरीद सकते हैं मैंने इसको मीडियम साइज में लिया है ये बहुत ज़्यादा ही सही रहेगी गाइज सो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने ली है मीशो से एंड आई कांट बिलीव कि मीशो इतनी अच्छी क्वालिटी कब से देने लग गया और ये आई थिंक 400 के अराउंड मुझे मिली थी इट्स अ बॉडी कॉन् ड्रेस गाइस इसमें चेक टन में आपको सारी ये ड्रेस मिल जाती है इसकी स्लीव्स आप देखोगे फुल स्लीव्स हैं इसमें एंड ब्लैक और थोड़ा ये चेक चेक पैटर्न में ही कंप्लीट ड्रेस है फुल लुक आपको ट्राई ऑन से समझ में आ जाएगा आ, क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी एकदम सुपर है गाइज बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की आपको ये ड्रेस मिलती है सो तो बिना सोचे समझे इसको तो आप खरीद ही लेना अगर आप न्यू ईयर पर नहीं डालो तो क्या में आप इसको डाल सकते हो और विंटर में अगर आप इसको स्टाइल करोगे ना लॉन्ग कोट के साथ या फिर लेदर जैकेट जो होती है क्रोप वाली उसके साथ एंड बॉटम में जब आप बूट्स पहनोगे बहुत प्यारी लगेगी आप ट्राइन में देखो बूट्स डाल के कितनी सुंदर लग रही है ये इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मीडियम में ही मैंने इसको लिया है सो so अगेन मेरा जो एक ड्रेस है ये मैंने लीम्बू से लिया है ये वाला भी बहुत ज़्यादा प्रीटी था और इसका कलर ना एकदम जामुनी कलर बोलते हैं ना वो वाला इसका कलर था काफ़ी डिफरेंट था कलर यार ये आप देखोगे इसका राउंड नेक आपको मिल जाता है स्लीव्स इसकी काफ़ी ही यूनिक पैटर्न में थी थोड़ा सा यहाँ से बलून टाइप की स्लीव्स थी और इसका जो स्लीव का फैब्रिक है ना ये भी अलग है स्लीव का फैब्रिक इसमें यूज़ किया गया है ऑर्गेंजा के अंदर और जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है Uh, मीशो पे भी सेम ड्रेस मैंने देखा है बट आई एम डैम श्योर कि गाइज इसकी मीशो पे ना ये और की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी सब बॉडी गन ड्रेस इसका फिट मुझे बहुत प्यारा आया था मीडियम में ही मैंने इसको खरीदा था एंड ये बहुत सुंदर लग रही थी तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं सो so, नेक्स्ट मैं आपको जो uh, ड्रेस दिखाने जा रही हूँ इसके पीछे प्लीज आप मुझे जज मत करना क्योंकि बहुत सारे लोग भाई जज करने भी बैठ जाते हैं इट्स माई पर्सनल चॉइस अगर मैं इस टाइप का कोई आउटफिट खरीदती हूँ या फिर आपका अगर आप पहन सकते हैं तो खरीदिए एक मिनी स्कर्ट और टॉप का सेट होने वाला है स्कर्ट कुछ इस टाइप से है इसका थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है आप देखोगे यहाँ से थोड़ा बलून टाइप की शेप आ रही है आप अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ तो यू कैन सी और ये ना मुझे बहुत अच्छे से फिट हो गई थी इसका फैब्रिक है स्ट्रेचेबल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फैब्रिक पे के ऊपर ही ये आपको रबर प्रिंट मिल जाता है एंड सिंगल शोल्डर में आपको इसका ये टॉप मिल जाता है स्लीव आपको एकदम फुल मिल जाती है एंड जब आप स्लीव में देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक कुछ पैटर्न ऐड किया गया है थोड़ा सा बलून टाइप का बनाया गया है इसको एंड ये ड्रेस भी पहने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी एंड आई गेस मैंने इसको 400 समथिंग में लिया है बट ट्रस्ट मी गाइस ये बिल्कुल भी 400 की नहीं लग रही थी uh, मैंने इसको गेट स्केच वेबसाइट से लिया है तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मीडियम अगेन मैंने मीडियम साइज में ख़रीदा है सो नेक्स्ट काइज मैं आपको एक ना विंटर ड्रेस दिखा रही हूँ जिसको मैं पहनने वाली हूँ अपनी बर्थडे पे बट uh, मैंने जब शॉर्ट्स डाला था ना तो उस टाइम पे मैं इसको ट्राई कर रही थी तो काफ़ी लोगों ने बोला था मुझे कि लिंक शेयर करो तो आई थॉट कि यार बता देते कोई बात नहीं बर्थडे तक <laughs> कोई बात नहीं इतना कुछ सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है बट मैं इसको अपनी बर्थडे वाले दिन पहनने वाली हूँ सो so, ये होने वाली है एक बॉडी कॉन्ट ड्रेस और जो फैब्रिक है ना ये गाइस वुलन के अंदर आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म रहेगा मशीन वुलन है यहाँ पे सो so, ये है कुछ इस टाइप की ड्रेस फ्रेम में तो ऑफकोर्स फिट नहीं होगी बॉडी कॉन ड्रेस आपको मिल जाती है एंड यहाँ पे ना इस ड्रेस में नीचे की तरफ यहाँ पे दो पॉकेट्स हैं ड्रेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो बट एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो ना इसका कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला क्योंकि एकदम वूल है अच्छी वाली क्वालिटी में फुल स्लीव्स मिल जाती हैं यू कैन सी दिस इज द नेक पैटर्न सो मैंने ना इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखा तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी मैंने बोला नहीं इसको तो मैं अपनी बर्थडे पे ही पहनूंगी सो so, इसलिए मैंने इसको बर्थडे के लिए रखा हुआ है उसके बाद गाइज मैंने एक ड्रेस मंगाई थी मीशो से इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है तो चलो आपके साथ ही ओपन कर लेते हैं इसको ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा एकदम पार्टी परफेक्ट लग रही थी एंड आई थिंक इसका प्राइस 300 400 के अप्रॉक्स था बट बहुत ज्यादा ही क्लासी लग रही थी एकदम से ब्लैक कलर में ये है और इसका जो फैब्रिक है ना वो आई थिंक ये लाइकरा फैब्रिक है काफी स्ट्रेचेबल है इसका जो नेक पैटर्न है ना गाइज वो बहुत ज्यादा यूनिक था मैं आपको पिक्चर में लगा दूंगी बट आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसका नेक पैटर्न है मैं तो आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से उसके बाद ये बिल्कुल फुल ब्लैक में है सिंपल है और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्लिट दिया गया है ये ज़रूर पहनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी मैंने अभी तक इसका ट्राई ऑन नहीं किया है और मैं हर एक ड्रेस में मीडियम साइज़ मंगाती हूँ गाइज एंड मुझे मीडियम एकदम परफेक्ट आता है कोई कोई ड्रेस होती है जिसमें मीडियम मुझे ज़्यादा ही लूज़ आ जाता है अदरवाइज़ सब में परफेक्ट आता है नेक्स्ट अगेन मैंने एक वेलवेट फैब्रिक के अंदर एक और ड्रेस मंगाई है और ये भी बहुत सुंदर दिख रही थी वेबसाइट पे टोक्यो टॉकीज ब्रांड से है एंड लेट मी शो यू गाइस अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है वैसे हो सकता है बर्थडे पे मैं इसको पहन लूँ इट डिपेंड्स कि यार वहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कैसा वेदर है ठंड है नहीं है सो so, ये कुछ इस टाइप से है एंड इसका जो ग्रीन कलर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है जो टील कलर होता है ना उस टाइप का है यहाँ पे आपको स्ट्रैप्स मिल जाते हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ये भी एकदम स्ट्रेट में है और यहाँ पे आपको स्लिट मिल जाता है इट्स अ काइंड ऑफ बॉडी कॉन्ट्रेस ऑन आप देख लेना और इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस अंदर से आप देखोगे ना क्वालिटी काफी अच्छी है फैब्रिक की तो टोक्यो टोकीस मुझे अब ब्रांड पसंद आने लगा है क्योंकि कपड़े तो इनके अफोर्डेबल होते हैं बट क्वालिटी ये पूरा देने का ट्राई करते हैं गाइस पूरा क्वालिटी अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं मुझे काफ़ी पसंद आया अभी के अभी मैंने ओपन किया है आपके सामने एंड ये ड्रेस है न्यूमी से ये भी मैंने अभी देखा नहीं है कैसा है क्या है बट ये पिक्चर में थोड़ा डिफरेंट लग रहा था मैं आपको यहाँ पिक्चर अटैच करूँगी उसमें ऐसा लग रहा था जैसे सीक्वेंस का मुझे कुछ मिलने वाला है बट ये सीक्वेंस का नहीं है ये गाइस रबर प्रिंट यहाँ पे किया हुआ है फ्लेक्सी क्वालिटी वगैरह ऐसी मिलती है अच्छा ट्रायन के लिए गाइज आप मेरे शॉर्ट्स देख लेना मैं बाद में ट्रायन का वीडियो डालूंगी ये है कुछ स्कर्ट दिस इज द टॉप गाइज आई थिंक मेरे ज़्यादा ही क्रोप आने वाला है फुल स्लीव मिल जाती हैं इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है बट इसका जो फैब्रिक है ना ये काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है सो आई थिंक ये नाइट पार्टीज में अच्छा लगने वाला है बट मुझे इमेज में देख के लगा था कि वो लोग सीक्वेंस का वर्क कुछ ऐसा कुछ भेजेंगे बट ये तो प्लेन सा फैब्रिक निकला जिसपे रबर प्रिंट है सो इट्स ओके इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं था बहुत ही कम प्राइस था सो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो मैंने आपको आज के वीडियो में सेवन टू एट ड्रेसेस शेयर करी है बहुत ही अलग अलग ब्रांड से मैंने इनको ख़रीदा है वीडियो को लॉन्ग नहीं किया है मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है कि क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है सबकी क्वालिटी वैसे तो अच्छी है बट इसका मुझे कुछ और एक्सपेक्टेशन था और ये कुछ और मुझे मिला है न्यूमी ब्रांड से था ये वाला सो so, आप देख लेना अगर आपको परचेज़ करना हो तो बट तो मुझे ये इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है बाकी और का लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऑल्सो मिंत्रा लिंक भी आपको दे दूँगी जो वेबसाइट पर मिलता है वो सेम प्रोडक्ट आपको मिंत्रा पे भी और मीशो पर भी मिल जाता है मीशो पर आपको कैटलग जो है वो सेम होता है लेकिन उसका जो प्रोडक्ट का जो फैब्रिक क्वालिटी होती है वो थोड़ा सा कम अच्छी होती है आज का वीडियो आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस ऑल्सो ये गिफ्ट आपको कैसा लगा जो कि मैंने परफ्यूम खरीदी है इसके लिंक्स के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूंगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो सब पे अवेलेबल है जहाँ पे आपको प्राइस ठीक लगे या फिर जहाँ से आप शॉपिंग ज़्यादा करते हैं वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं ट्रस्ट में इसकी फ्रेगनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है मैंने इसको ना ऐसे अभी जो क्रिसमस डे गया था उस पर भी मैंने इसको वेयर किया तो बाबा गाइज लव यू ऑल